दूसरा इसी दिन कुमुदिनी महोत्सव का भी एक हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है, और लक्ष्मी जी के आगमन का भी दो आख्यान मिलते हैं हमारे यहाँ। तो एक लक्ष्मी जी के आगमन का जो एक आख्यान है, तो सामान्यतः तो हम लोग अभी शरद पूर्णिमा के 15 दिनों के बाद कार्तिक शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आएगी उस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, लेकिन वस्तुतः लक्ष्मी पूजन का आरंभ यहीं से हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि इस शरद पूर्णिमा के दिन आप लक्ष्मी, कुबेर और इंद्र और वरुण का पूजन करके आदमी दरिद्रता को अपने घर से दूर कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि माँ भगवती जो लक्ष्मी हैं वो रात्रि काल में इस शरद पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के साथ उतर करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं, और वो आवाज़ देती हैं को जागरती इति, अर्थात कौन जागरण कर रहा है, कौन जागरण कर रहा है। और जो जागरण करता रहता है, जागरण का महत्व जो है वो भगवान के पूजन अर्चन से है, तो जो रात्रि में जागरण करता रहता है तो तस्मै वित्तं प्रयच्छामि इति भासति, तो मैंने उसको मैं प्रचुर धन दूंगी, ऐसा वह कहते हुए घूमती हैं कि को जागरती जो यह जागरती तस्मै वित्तं प्रदस्यामि इति, वो जो जाग रहा होगा उसको मैं धन दूंगी। तो जो लोग जागरण करते हैं उनको, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की अदम्य कृपा होती है, एकदम बहुत ही पूर्ण कृपा होती है, और वो धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं और उनके यहाँ से दरिद्रता दूर होती है। गुरु जी, इसमें मानता